ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ा छूटकर नदी में गिर गया। लकड़हारा सोचने लगा कि अब मैं अपना जीवन कैसे निर्वाह करूंगा। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ देर तक रोता रहा। इतने में वहां एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? लकड़हारे से सारी बात बताई। देवता पानी में कूद पड़े और सोने का कुल्हाड़ा लेकर बाहर निकले। देवता ने लकड़हारे से पूछा, क्या यही तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लकड़हारे ने कहा, नहीं श्रीमान जी, यह कुल्हाड़ा मेरा नहीं है। देवता ने फिर पानी में डुबकी लगाई और एक चांदी का कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए, परंतु लकड़हारे ने वह भी नहीं लिया। अंत में जब देवता ने लोहे का कुल्हाड़ा लेकर बाहर निकले, इसे देखकर लकड़हारे ने कहा, श्रीमान जी, यही मेरा कुल्हाड़ा है। देवता उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और उसको तीनों कुल्हाड़े दे दिए। शिक्षा: मनुष्य को हमेशा ईमानदार बना रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। दोस्तों, पंचतंत्र की इस कहानी से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए।